केंद्र सरकार द्वारा प्रिकॉशन डोज मुफ्त कराए जाने के बाद इंदौर में वैक्सीन का तीसरा डोज लगवाने वालों की संख्या बढ़ गई है। टीकाकरण के चार दिवस में 2,11,150 से अधिक हितग्राहियों ने बूस्टर डोज लगवाए। विभाग अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर पहुंचकर पात्र हितग्राहियों को प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इंदौर में प्रिकॉशन डोज लगवाने वालों की संख्या पिछले चार दिनों में बढ़ गई है। केंद्र सरकार द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 18 से 59 वर्ष के हितग्राहियों के लिए 15 जुलाई से आगामी 75 दिनों तक मुफ्त प्रिकॉशन डोज लगाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या बढ़ गई है। टीकाकरण के चार दिवस में इंदौर में 2,11,150 से अधिक हितग्राहियों ने प्रिकॉशन डोज लगवाए हैं। हालांकि अभी भी 19 लाख से अधिक पात्र हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाया है। इतनी अधिक संख्या में हितग्राहियों के बचे होने से स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया है। समाचार पत्रों और न्यूज चैनल के माध्यम से तो आमजन को जागरूक किया ही जा रहा है, वहीं विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को घर घर भी पहुंचा रहा है ताकि जो प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र हो चुके हैं उन्हें प्रेरित किया जा सके। प्रिकॉशन डोज को लेकर क्या स्थिति है, जिले की टारगेट हमारा क्या कहता है और हम किस लेवल से आगे बढ़ रहे हैं? अब हमारा प्रिकॉशन डोज का टारगेट पहले कम था क्योंकि 60 प्लस वालों को डोज लगाया जा रहा था। अभी जो है 15 तारीख से जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई तो उसमें से 18 प्लस वालों को भी प्रिकॉशन डोज लगवाना है, तो उससे हमारा एकदम टारगेट बढ़ गया और उसमें लगभग 24,78,790 के आसपास हमारा टारगेट हो गया। और अभी तक जो हमारे प्रिकॉशन डोज लग चुके हैं जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर भी हो गए, हेल्थ वर्कर भी हो गए और सामान्यतः जो 18 साल के प्लस और 60 प्लस के जो लग रहे हैं उनमें 2,11,160 डोज अभी तक लगाए जा चुके हैं। तो अब धीरे धीरे उसमें गति आ रही है और धीरे धीरे लोग अपना प्रिकॉशन अधिक से अधिक लोग प्रिकॉशन डोज लगवा सकें, इसके लिए विभाग ने नगर निगम के जोनल कार्यालय के साथ ही सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों पर भी प्रिकॉशन डोज लगाने की व्यवस्था की है। इंदौर से देवेंद्र मालविया की रिपोर्ट।